तो फिलहाल हम लोग निकल चुके हैं अपने घर से, ये अपना लॉक कर दिया और चल रहे हैं आवाजरा बस स्टैंड पे और वहाँ से फिर हमें मिलेगी टैक्सी जो कि शेयरिंग है और निकलेंगे हम लोग लाचून के लिए। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा हड़बड़ी हो गई। नकुला स्टैंड, दिस इज़ आवर टूरिस्ट गाड़ी। फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं छांगू लेक नकुला स्टैंड और यहाँ पे अभी अपनी टैक्सी जो शेयरिंग कैब है वो लेते हैं और गाड़ी का नंबर है 0408। अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम नकुला बस स्टैंड और हम लोग जा रहे हैं नॉर्थ सिक्किम। तो फिलहाल निकल रहे हैं हम यहाँ से बस स्टैंड से और ये अपने ड्राइवर भाई और ये पीछे कुछ लोग बैठे हैं। हाय बोल दो भाई। फुल 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 वाली फील होगी, मजा। हाँ। और निखिल जी कैसा लग रहा है? बढ़िया है, बढ़िया। अभी इससे बढ़िया लग रहा है आपको? ऊपर जाएंगे तो क्या लोग आपको अच्छा लगेगा। हमारा जो फर्स्ट स्टॉपेज है ये बटरफ्लाई वाटरफॉल है, कुछ ऐसा है। हालांकि इस तरह की चीज़ें मुझे छोटे छोटे वाटरफॉल में खास अच्छे नहीं लगते तो मैं अंदर नहीं गया। राहुल गया है और बाहर की जो टैक्सियाँ रुकी हुई हैं और नीचे देख सकते किस तरीके से लोग फ़ोटो खिंचवाए जा रहे हैं। तो यहाँ का जो हमने बटरफ्लाई वाटरफॉल है वो देख लिया। अब चल रहे हैं ऊपर की तरफ, देखते हैं अब आगे क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। सो हमारी गाड़ी के जितने पैसेंजर हैं सब आई थिंक बैठ गए। ओ मैं तो ये अपनी गाड़ी बैठते हैं फिर चलते हैं। भानु भाई हैं तो कितने दिन के हम सफ़र हैं हमारे हम सफ़र के साथी हैं। बटरफ्लाई वाटरफॉल को देख लिया, घंटा देख लिया, बटरफ्लाई। अब आगे की तरफ चल रहे हैं। निखिल सर जी का एक्सपीरियंस अभी हम लोग हैं यहाँ पे तीस्ता नदी के किनारे, कुछ ऐसा है नज़ारा। कैसा लग रहा है निखिल भाई? बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? एकदम फुल अच्छा लगेगा, मज़ा काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। अभी देखते हैं और यहाँ पे फोटो। हालांकि एक बात बता दूँ कि बाइक से ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन कहते हैं ना कि इट इज़ ऑल फॉर द बेस्ट। जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अभी हम फिलहाल रुके हैं जेनेसिस पास पॉइंट पे और लेट्स सी, यहाँ पे लिखा है 0.3 किम नॉर्थ सिक्किम की तरफ है। तो ये सामने ये छोटा सा फूड है। यहाँ पे अभी हमें जो कि पैकेज में इंक्लूडेड है लंच, वो हम यहाँ करेंगे। लंच यहाँ पैकेज में इंक्लूडेड है बट अभी तो उस लेवल का भूख भी नहीं लगा। हाँ भूख नहीं लगा था क्योंकि हम लोग सुबह खा के निकले थे। तो लेट्स सी देखते हैं क्या क्या खाने को मिलता है यहाँ पर। फिर जो कि फ़ूड का जो एक्सपीरियंस रहा हमारा काफ़ी ज़्यादा बेकार रहा। हालांकि देखा जाए तो असली जो घूमने का मज़ा है वो अकेले बाइक पे या फिर आप आते हो या फिर इस तरह के पैकेज में मुझे कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है। सो मैं तो सजेशन नहीं करूँगा कि इस तरीके के पैकेज लेके आप लोग यहाँ पर ट्रैवल करें। तो इस तरीके से कुछ अपनी पूरी की पूरी जो जर्नी होने वाली है, आप लोग 3 डेज़ हमें इस तरीके से मैनेज करना होगा। हम अभी लोग आ चुके हैं अभी 3rd पॉइंट पर। यहाँ पर क्या वाटरफॉल है और जिसका आप लोकेशन देख सकते हैं, दिखने में काफ़ी अच्छी लग रही है। ये देखिए इधर से व्यू आता है। ओह माय गॉड। तो हम लोगों ने यहाँ का वाटरफॉल देखा, ठीक था, अच्छा था। आई होप कि आप लोगों को कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर यार आप लोग। और हमारी गाड़ी वाले वेट कर रहे थे कब से, अब चलते हैं। हर जगह हम ही लोग लेट हो जाते हैं। अब हम रुके हैं तीस्ता डैम पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं नीचे की तरफ, हालांकि दिखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। एक बार दिखाता हूँ आप सभी लोगों को। हम निकले थे चुमथांग डैम से थोड़ा सा आगे की तरफ और आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा जाम लगा हुआ है यहाँ पे, लंबी कतार लगे हुए हैं, लंबी कतार लगी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि करीबन 10 से 12 घंटे हमें लग जाएंगे लाचेन पहुंचने में। क्या हुआ? कल पहुंचेंगे। तो फाइनली हम अपने यहाँ पे होम स्टे पर रुक चुके हैं। इसका नाम है ठन करका रेजिडेंसी और कुछ इस तरीके का है। बाहर ये शॉप है, तो चलते हैं अंदर ज़रा। लेट्स सी कौन सा रूम मिला है, अंधेरा काफ़ी ज़्यादा हो गया।